जीडी उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 2031 महायोजना की आपत्तियों पर सुनवाई की, जिसके संबंध में जीडी उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर ने बताया कि महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की 25 नवंबर से सुनवाई की जा रही है, जिसमें 8000 नागरिकों की आपत्तियों की सुनवाई कर चुके हैं। इस सप्ताह में सुनवाई के कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें 11500 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो लोग सुनवाई में छूट गए हैं या किसी कारण नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे लोग अगले सप्ताह में आकर अपने आपत्तियों पर अपनी राय बता सकते हैं। उन्होंने कहा, अभी तक आपत्तियों की सुनवाई में यह पाया गया है कि कुछ लोगों को ग्रीनलैंड से आवासीय कराना है, कुछ नागरिकों को कमर्शियल कराना है। सभी नागरिकों की सुनवाई के बाद समिति के साथ बैठक करके निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद समितियों के प्रस्ताव को बोर्ड में रखकर पास कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडी उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर ने कहा, जैसे वहाँ पर हम लोग 14 मकान बनाकर रह रहा सर, 14 मकान जैसे हम लोग बनवा कर रह रहा सर वहाँ पे। हाँ भाई, मान लिया वहाँ आवासी कराना था, ग्रीनलैंड से आवासी करना ना। जी सर, ठीक, सभी लोग जा सकते हैं सर। जंगल छत्रधारी समाज से 26 सर, क्रम संख्या 83 तैयार होता रहे। क्रम संख्या 8417 जिसे जीडीए ने अधिग्रहित कर लिया है, हाँ, तो उसे मुक्त किया जाए, अधिग्रहण से मुक्ति। हाँ सर, ना कुछ ठीक। 7618 पे सर, मकान 200 साल से बना है, मैप स्वीकृत नहीं हो रहा है और उसका आवासीय घोषित करके स्वीकृत किया जाए मैप, और कमर्शियल रेजिडेंसी अब दोनों बनाया गया है। 76-12 करमहा से और लोग हैं, करमहा से और लोग आए हैं क्या? कितने लोग हैं जरा हाथ उठा दे। 86 पहली जिनकी सुनवाई हो गई, लोग जा सकते हैं, जिनकी सुनवाई हो जाए वो चले जाएं। देखिए, 25 नवंबर से हम लोगों ने सुनवाई प्रारंभ की थी और अभी तक जो है लगभग 8000 लोगों को हम सुनवाई कर चुके हैं, और इस पूरे सप्ताह में हम लोग, मुझे उम्मीद है कि एक राउंड जो है सुनवाई का वो पूरा हम लोग कर देंगे। कुल 11500 आपत्तियाँ हमें प्राप्त हुई थी, उसके बाद अगले वीक में भी हम लोग अलग अलग दिन में एक बार और मौका देंगे, जो लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश, अगर वो भी अगले वीक में आना चाहें तो वो लोग भी आ सकते हैं। सर, अभी मुख्य बातें क्या निकल गई? देखिए, अलग अलग तरह, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग आपत्तियां हैं। किसी के यहाँ पे ग्रीन से उनको आवासीय कराना है, किसी को कमर्शियल कराना है, तो अलग अलग आपत्तियां हैं। उसकी एक बार सुनवाई हो जाएगी तो उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा।